सो हेलो डिफेंस लवर, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। आप लोग का तीन जो है बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस होने वाली इस वीडियो में, ठीक है। तीनों ही आप लोग की लाइफ से जुड़ी हुई होंगी। एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोगों का सब कुछ फाइनल रिजल्ट हो गया है, सेकेंड ऐसी चीज़ है जिसमें आपका रिजल्ट आना बाकी है और आप लोग का फिजिकल बाकी है, और तीसरी चीज़ ये है जिसमें कि आप लोग का एग्ज़ाम भी होना बाकी है, ठीक है। तो अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी स्टेज पर है तो आप लोग अपने आप को ध्यान देंगे तो आप किसी न किसी चीज़ में भर्ती हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो ये है, और पहली चीज़ ये है कि 12वां रोज़गार मेला जो है, 12वां जो ट्रांस है जो रोज़गार मेला का, वो आप लोग की वेन्यू दोस्तों, यहाँ पे 45 वेन्यू जो है, डिफरेंट वेन्यू है CAPF और AR। दोस्तों ये जो है मुझे मेरे सब्सक्राइबर भाई ने एक दिया है जिनका नाम अमित है, मैं बताऊंगा आप लोगों को उनके बारे में भी अभी आगे। लेकिन दोस्तों बताता हूं आप लोगों को, ये रियल ऑथेंटिक न्यूज़ है, मुझे कहीं और से भी मिला था लेकिन मुझे कल शाम को ही अपडेट आ चुकी थी। और साथ साथ CRPF का एक जो फाइनल जो लिस्ट है, जो बंदों का रिक्रूटमेंट कॉल अप जो है वहाँ पर आने वाला, जो बुलाए हैं जाके रोज़गार मेला में ले सकते हैं, वो लोग दोस्तों बताऊँगा आप लोगों को किस तरीके से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों रोज़गार मेला का दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट जो है यहाँ पर दी हुई है आंध्र प्रदेश में दोस्तों, यहाँ पर CISF। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है इंक्लूडिंग आसाम राइफल्स, ये सारे ही जगहों पे वेन्यू दिया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग अपने अपने स्टेट का स्थित कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल, जो बंदा बिहार से है उसको बिहार से दो जगह पे है दोस्तों आप लोग का, जो कि मुजफ्फरपुर CRPF ग्रुप सेंटर जो है वहाँ पे, और पटना में जो SSB का आप लोग का दोस्तों यहाँ पे दानापुर में जो है वो, ठीक है। मैं देखा हूँ, दोनों भी मैं गया हुआ हूँ, दोनों जगह पर मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में दोस्तों आप लोग को रायपुर है, मतलब दोस्तों लाइन से आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, सोनीपत वगैरह, यहाँ पे हर एक चीज़ का दोस्तों आप लोग की वेन्यू दी हुई है, आप लोग अपने हिसाब से वेन्यू देख सकते हैं, ठीक है। अब दिखाते हैं दोस्तों आप लोग को लिस्ट, और दोस्तों यहाँ पे जो समरी दी हुई है कि ये आप लोग की ये है कि कितने, मतलब कि आप लोग को जो टोटल सेंटर है, ठीक है, कितने सेंटर आप लोग के हैं। तो CRPF सबसे ज़्यादा सेंटर 17 सेंटर है, फिर BSF के 16 सेंटर है, और सबसे कम दोस्तों आप लोग के आसाम राइफल और CISF के हैं। और देखिए, जिन्होंने मुझे भेजा, ये देखिए रात को आप 8 बजे मुझे भेज दिया गया है, और इनका जो नाम है वो अमित है ऐसे तो, और ये जो काफ़ी अच्छे हैं, हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, हमसे जो भी है बातचीत इनसे हमेशा हमारी होती रहती है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक मेमोरेंडम जो आप लोग, मेमोरेंडम बोल रहा हूँ आप लोग का, यहाँ पे तो फाइनल रिजल्ट का दोस्तों एक नोटिस आया था, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, DIG जो है GC यानी ग्रुप सेंटर मुजफ्फरपुर, MKG मोकामा घाट, इस तरह से आप लोग के SPT लखनऊ, AMT, ठीक है, सारे जो है AJM मतलब कि अजमेर वगैरह हो गया, ठीक है, दिल्ली, फिर ये गुरुग्राम, भोपाल, इसका मुझे आइडिया नहीं, ये है ग्वालियर, ठीक है। फिर इस तरह से दोस्तों आप लोग के हर जगह पे है, नागपुर, NJR नागपुर है ये, बिलासपुर, ठीक है, अवधि, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है आप लोग की है यहाँ पे दोस्तों आप लोग की दी हुई है, प्रयागराज वगैरह भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों इंटीमेशन दिया हुआ है, मैं आपको ये लेटर जो है अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों HCM वाले की बात है, CRPF HCM वाले की, हम टॉपिक वाइज आएंगे आपके वीडियो में, एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूँ कि UP पुलिस का तैयारी का, तो उसके लिए आप लोग एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं UP पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का होने वाला है। इस गाइड में आप लोगों को पिछले साल की कई शिफ्टों का सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोग के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यूपी पुलिस का फुल सिलेबस के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कंटेंट भी मिल जाएगा, यानी कि ये एक बुक केवल आप लोग का मास्टरमाइंड हो सकता है, मास्टर प्लान हो सकता है आप लोग के यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। और इतना ही नहीं, इनका यूपी पुलिस स्टडी गाइड के साथ साथ आप इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों इस बुक का परचेज लिंक, इस गाइड का परचेज लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों जितने भी HC मिनिस्टर वाले यहाँ पे थे, आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और नीचे दोस्तों यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है आप लोग की दी हुई है, ASI स्टीनो वाले की दोस्तों यहाँ पे दी हुई है पहले तो, ठीक है। और जिस ASI स्टीनो में दोस्तों यहाँ पे नीचे पूरा स्क्रॉल करेंगे अगर आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग नीचे पूरा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जो है टोटल इसको स्क्रॉल करते हैं, करते 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 लगभग यहाँ पे 169 जो है बंदों को यहाँ पे ASI स्टीनो वालों के कॉलअप जो है यहाँ पे आई है। और यहाँ पे दोस्तों रिक्रूटमेंट वेन्यू दी हुई है, ठीक है, कहाँ पे है, अजमेर, दिल्ली, ठीक है, AZM, ठीक है, AZM, फिर यहाँ पे भोपाल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग की जो है मेरिट लिस्ट ऑफ HCM, दोस्तों यहाँ पे HCM में आप लोगों को किस कहाँ कहाँ बुलाया गया है वो भी दोस्तों आपको रिपोर्टिंग कहाँ कहाँ करनी है सब दी हुई है। बाकी दोस्तों जॉइनिंग लेटर आप लोग को तुरंत आना शुरू हो जाएगा, मेल के थ्रू भी आएगा और दोस्तों डाक के थ्रू भी आप लोग के आएगा जॉइनिंग लेटर, तो आप लोग उसका वेट करिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर कम से कम जो है 1400 कुछ प्लस बच्चों हैं जो है HCM वालों को, देखते हैं दोस्तों कितने बच्चे हैं यहाँ पर टोटल। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर जो है मैं एकदम नीचे कर देता हूँ,
तो यहाँ पे 1489 बच्चे, यानी कि 1489 बंदे, ठीक है, 1489 बंदे जो आप लोग हैं यहाँ पे, आप लोग के इसमें एनरोल हुए हैं HCM के लिए। अब बात करते हैं CRPF ट्रेड्समैन की। तो जैसे देखिए 12 तारीख को दोस्तों, जहाँ तक मैं रखिए, कोई भी मैं न्यूज़ देता हूँ आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ, ठीक है। मैंने बताया था आपको HC मिनिस्ट्रियल की रिजल्ट आएगी, मैंने आपको दिन में बताया और शाम को रिजल्ट आ गया। मैंने लिखा भी था कि आज रिजल्ट कंफर्म आएगा 101%, और रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं मालूम पड़ जाता है बिल्कुल भी। बात करते हैं ट्रेड्समैन की। तो देखिए ट्रेड्समैन की रिजल्ट आनी थी पिछले महीने में ही, बट दोस्तों ट्रेड्समैन का कुछ दिक्कत आ गया है। अब दोस्तों जो रिजल्ट आप लोग की आएगी, मैं आप लोग को एक्जैक्ट डिटेल बोल दूँ ट्रेड्समैन का रिजल्ट का, कि 12 तारीख के बाद ही आएगी, 12th February के बाद ही आएगी रिजल्ट, ठीक है। 12th February के बाद आप लोग हो सकती है कि 13 को आ जाए, 14 को आ जाए, 15 को आ जाए, पर दोस्तों इससे डिले नहीं होगा। और आप लोग की जो ज्वाइनिंग है उसकी बातचीत चल रही, जैसे दोस्तों आप लोग ज्वाइनिंग की कंफर्म हो जाएगी, ज्वाइनिंग आपकी कब होगी। आप लोग की ट्रेनिंग जो है फेब से शुरू होने वाली थी, बट दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाई, कुछ ना कुछ दिक्कत से, मैन पावर की दिक्कत से, या फिर हॉर्स की दिक्कत से, या फिर HCM वाले की प्रोसेस थी इसलिए, ठीक है। तो मैं आपको बोल दूं कि इसलिए आप लोग बता दो कि यहाँ पे आप लोगों का ट्रेड्समैन का रिजल्ट 12 के बाद आएगा, उसके पहले कोई सुनवाई नहीं है, और आप लोग यहाँ वहाँ के चक्कर में पड़ रहे हैं। उससे बढ़िया आप लोग के जो है SSC GD का हर जगह का धीरे धीरे अब जो है रीजन वाइज आप लोग एडमिट करा रही है, तो आप लोग वहाँ पे तैयारी करिए उस चीज़ का, SSC GD का एग्जाम दीजिए। और साथ साथ अब हम बात करते हैं यूपी पुलिस की। तो यूपी पुलिस में 60,200 कुछ बच्चे हैं, जिसमें आप लोग को जो है लगभग, आप लोग को मैं नहीं भी करते करते अगर हम लोग चार गुना भी करें तो 2.5 लाख बच्चे को पास करेंगे। बंदों ने फॉर्म भरा है 50 लाख 52 लाख, उसमें नहीं देखना है हम लोग को, 35 लाख की कंपटीशन है खाली। 35 लाख में यानी कि 15 लाख लड़कियों का फॉर्म है, 35 लाख में आप लोग को जो है टॉप के 2 लाख, 35 लाख में आप लोग को टॉप के 2 लाख आना है। इतना भी आप नहीं आ पाएंगे तो फिर आप मेरा लालच है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग में दिक्कत है कि आप लोग या तो पढ़ाई नहीं किए हैं, या तो आप लोग कुछ और जो है साथ में पढ़ाई के साथ कुछ भी गलत काम भी किए हैं, ठीक है। तो यूपी पुलिस के आप लोग को बिल्कुल तैयारी करना है। मैंने बुक सजेस्ट कर लिया, आप लोग लेना है ले सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, ये 3 अपडेट थी आप लोग की, कि आप लोग को तैयारी करना है एडमिट कार्ड, यूपी पुलिस के एडमिट कार्ड के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है दोस्तों यहाँ पे, आप लोग आई पे क्लिक कर दीजिए, वरना चैनल पे आइए। इसके जस्ट पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी रात को, उस पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों यूपी पुलिस पे आप लोग मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, उतना अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए तभी, ताकि मैं आप लोग को और डिटेल जो है न्यूज़ ला के देते रहूँ आप लोग को, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा है कि चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, नए अगर है तो, अगर आप लोग पुराने तो बने रहें, इसी तरह प्यार दिखाते रहें। तब तक के दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।